पद्म पुराण में भगवान व्यास राधाष्टमी व्रत की महिमा कह रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से सुन लो। शौनक उवाच कथयस्व महाप्राज्ञ गोलोकम याति कर्मणा सुमते दुस्तरात के न जनस संसार सागरात राधायाश्चाष्टमी सूत तस्या महात्म्यमुत्तमम। शौनक जी महाराज पूछ रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, जीव के लिए गोलोक की प्राप्ति अति दुर्लभ है। वो अति दुर्लभ नित्य धाम गोलोक की प्राप्ति जीव को सुलभ कैसे हो, ये आप कृपा करके बताओ। इस दुस्तर संसार सागर से पार उतर करके और वो कैसे दिव्य धाम गोलोक की प्राप्ति करे, जहां पहुंचने के बाद फिर लौट कर कभी आना नहीं पड़ता है, उस परम धाम दिव्य धाम गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे करे। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपने जो प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से किया था। नारद उवाच, क्या कहा था नारद जी ने, बहुत ध्यान से सुने। ब्रह्मोवाच, नारद जी ने कहा, क्या कहा, पिता मह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विदांबर राधा जन्माष्टमी तात कथयस्व महामाग्रतः। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा था, बेटा नारद, असार संसार सागर से अपार दुस्तर भवसागर से पार उतरकर नित्य गोलोक को प्राप्त करके श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है, भादों शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आने पर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्री राधाष्टमी व्रत करें। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने कहा, महाराज आप कृपा करके उस राधाष्टमी व्रत की महिमा भी सुनाइए, उसका क्या पुण्य फल है, इस राधाष्टमी व्रत को पहले किसने किया था, और अकुर्वताम जनानाम ही किल्वशम किम भवेद द्विज, जो राधाष्टमी व्रत नहीं करते हैं उनको कौन सा पाप लगता, सो भी बता दो। दोनों बातें केनैव तु विधानेन कर्तव्यं तद्व्रतं कदा कस्माद् जाता च साराधा तन्मे कथय मूलतः। हे भगवान, किस विधि से राधाष्टमी का व्रत करना चाहिए और वह राधा रानी प्रकट कैसे हुई, उनके प्राकट्य की बात भी बताओ। ब्रह्मोवाच, श्री ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, राधाष्टमी व्रतम राधा जन्माष्टमी वत्स श्रुणस्व सुसमाहिता कथयामि समासेन समग्रम हरिणा विना। राधाष्टमी, राधा जन्माष्टमी के संबंध में हम तुम्हें सुना रहे हैं, तुम समाहित चित्त से सुनो। नारद जी कहते थे, महाराज विस्तार से सुनाओ, ब्रह्मा जी बोले विस्तार से नहीं सुनाएंगे, समासेन संक्षेप में सुनाएंगे। क्यों? भगवान के बिना राधा रानी के तत्व को और कोई दूसरा नहीं जान सकता, कोई दूसरा जान ही नहीं सके तो हम कहां से वर्णन करेंगे, संक्षेप में सुनाएंगे। कथितम तत्फुलम तत्फुलम पुण्यम न शक्नोत्यपि नारद कोटि जन्मार्जितम पापम ब्रह्म हत्यादिकम महत कुर्वन्ति सकृत भक्त्या तेषां नश्यति तत्क्षणात्। कहते हैं इसके पुण्य का वर्णन करने की हमें सामर्थ नहीं है, करोड़ों जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप भी केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक राधाष्टमी व्रत कर लें तो उनके उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। एकादश्या सहस्रेण यत् फलम लभते नरः राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् छत गुणाधिकम। 1000 बार एकादशी करो, एकादशी माने एकादशी, कुछ न खावे पीवे, ऐसी निर्जल 1000 एकादशी करे
और उस उन हजार एकादशियों का पुण्य उसको 100 गुना कर दे, 1 लाख हो जाएगा। और कहते हैं एकादशी हजार, 1000 एकादशी, 1000 एकादशी को 100 गुना कर दो, माने 1 लक्ष, 1000 एकादशी करने का पुण्य उससे भी 1000 गुना पुण्य, 100 गुना पुण्य राधाष्टमी व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है, पर सुमेरु पर्वत के समान कोई स्वर्ण दान करे उससे जो पुण्य होता वो केवल राधाष्टमी के व्रत से हो जाता है। सकृत दात सकृत राधाष्टमी कृत्वा तस्मात् शत गुणाधिकम्। सुमेरु पर्वत के दान से 100 गुना पुण्य राधाष्टमी जन्म महोत्सव पर व्रत करने का है। कन्यादान का भी बड़ा पुण्य शास्त्रों में कहा गया है, 1000 कन्याओं का दान करे, 1000 अत्यंत अभावग्रस्त परिवार की कन्याओं का विधिवत विवाह करे उससे जो पुण्य होगा वह पुण्य केवल 1 बार राधाष्टमी व्रत कर लेने से हो जाता है। वृषभानु सुताष्टम्या तत्फलम प्राप्यते जनैहि गंगादिशुचा तीर्थेषु स्नात्वा तु यत् फलम भवेत्। कृष्ण प्राण प्रियाष्टम्या फलम प्राप्नोति मानवः। गंगा आदि धरती की समस्त पवित्र नदियों में स्नान से जो पुण्य होता है उसका 100 गुना पुण्य केवल राधाष्टमी व्रत से हो जाता है। एतद् व्रतं तु यः पापी हेलया श्रद्धया पिवा करोत विष्णु सदनम गच्छेत कोटि कुलान्विता। कहते कोई पापी मनुष्य बहुत श्रद्धा नहीं है उसकी, पर उसके द्वारा हो गया ये व्रत, तो कहते वह अपने कुलों के सहित भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। पुरा कृतयुगे वत्स वर नारी सुशोभना। पूर्व काल की बात है, सतयुग के समय में एक बड़ी सुंदर स्त्री थी, वर नारी सुशोभना, सुमध्या हरिणी नेत्रा शुभांगी चारुहासनी, बड़ी सुंदर मध्य भाग वाली, शुभांग वाली, पवित्र अंगों वाली, निर्दुष्ट अंग वाली और सुंदर हास्य वाली, हरिणी के समान नेत्र वाली एक बड़ी सुंदर, सुकेशी चारुकर्णी जो सुंदर केश और कर्ण वाली, लीलावती नाम की एक परम दिव्य स्त्री थी, नारी थी। तया बहूनि पापानि कृतानि सुदृढ़ानि च। कई बार रूप भी हमारे पतन का कारण बन जाता है। उस स्त्री का वह उत्तम रूप, लीलावती नाम था उसका, उसका वह उत्तम रूप ही उसके पतन का कारण बन गया। उसने बहुत से पाप किए। एकदा साधना कांक्षी निश्चित पुरुतस्वतः। देखो 12 बरस में घूरे के दिन भी बदलते हैं। आखिर पाप कर्म करते करते इसके मन में एक बार ग्लानि हो गई, मन में आया कि अरे हमने ठीक नहीं किया, कितना दुर्लभ शरीर भगवान ने हमको दिया और हमने मनमाने कर्म करके, थोड़ा वैराग्य जगा उसको, लीलावती को वैराग्य जगा तो अपने नगर से बाहर की ओर वो आई, अपने नगर से बाहर आई। साधन कोई ऋषि मुनि महात्मा से हमको साधन मिले इस इच्छा से आई। और वहां आकर के उसने क्या देखा कि कुछ महात्मा लोग, वैष्णव लोग एक मंदिर में राधाष्टमी उत्सव मना रहे हैं, राधा कृष्ण के विग्रह का स्वरूप का सुंदर दूध दही घृत पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं और बड़ा सुंदर कलश आदि रख करके सुंदर उत्सव मना रहे हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो विचार करने लगे कि क्या, उसके लिए तो नया था ये क्या हो रहा है। राधाष्टमी व्रत परा राधाष्टमी व्रत परा सुंदरे देवतालय गंध पुष्पैर धूप दीपै वस्त्रै नाना विधै फलैहि। गंध पुष्प दीप दीप अनेक प्रकार के फलों से भक्ति पूर्वक श्री राधा रानी के श्री विग्रह का, राधाया मूर्ति उत्तमाम लिखा है महाराज जी इस पर, इसलिए इस तिथि पर घर में राधा रानी का स्वरूप, ठाकुर जी का जो स्वरूप है उनका जरूर पंचामृत से विधिवत अभिषेक कराना चाहिए।
सुंदर श्रृंगार करना चाहिए, सुंदर भोग धराना चाहिए, और फिर इसके बाद बधाई उत्सव करने भी लिखा हुआ है। क्या करना चाहिए? केचित गायन्ति नृत्यन्ति पठन्ति स्तवमुत्तमम्। कुछ नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं, कुछ सुंदर सुंदर स्तोत्रों से राधा रानी की स्तुति कर रहे हैं। ताल वेणु मृदंगाश्च वाद्यंति चके मुदा। कोई ताल तबला बजा रहे हैं, कोई बांसुरी बजा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं। प्रसन्न होकर के ऐसे लोगों को देख करके वह पहुंची और अत्यंत विनयान्वित होकर के उसने प्रणाम किया और उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आप कृपा करके बताओ। उसकी बात सुन करके उन वैष्णवों ने कहा, तुम वैष्णवा व्रत तत्परा। व्रत तत्पर वैष्णवों ने कहा, उन वैष्णवों का एक नया नाम दिया है यार, राधा व्रति न ऊचुहु। राधा व्रति वैष्णव वे बोले कि हे देवी, भाद्रे मासिष्टाष्टम्याम जाता श्री राधिका यतः अष्टमी साध्य संप्राप्ताम कुर्वाम प्रयत्नतः। भादों के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का जन्म हुआ है, इसलिए अत्यंत प्रयत्न पूर्वक हम लोग श्री राधा अष्टमी व्रत कर रहे हैं, राधा जी का उत्सव मना रहे हैं। और देखो देवी, गोघात जनितम पापम स्तेयजम ब्रह्मघातजम परस्त्री हरणाच चैव तथा च गुरुतल्पगम विश्वासघाततम चैव स्त्री हत्या जनितम तथा एतान्नाश्यन्त्यासु कृतायाश्चाष्टमी नृणाम। देखो देवी, किसी से जाने अनजाने गोवध का पाप हो गया हो, चोरी हो गई हो, ब्रह्म हत्या हो गई हो, परस्त्री हरण का पाप लग गया हो, गुरुस्त्री गमन का पाप, गुरु तल्प गमन का पाप लगा हो, विश्वासघात का पाप लगा हो, स्त्री हत्या का पाप लगा। महाराज, स्त्री हत्या के लिए लिखा है स्कंद पुराण में पांडे जी, 100 ब्रह्म हत्या के बराबर एक स्त्री की हत्या का पाप है। तो स्त्री हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। ऐसे जो भयंकर भयंकर पाप हैं, ये भयंकर पाप भी उसके नष्ट हो जाते हैं जो श्रद्धा पूर्वक श्री राधाष्टमी व्रत को करता है। अब तो उसको सुन करके उस स्त्री को अपने पाप याद आने लगे, वो रोने लगी। उसने कहा, महात्माओ, मैंने तो बहुत पाप किए, मेरा रूप ही मेरे विनाश का कारण बन गया, अब मेरे ऊपर भी कृपा करो कि मेरे ये सारे पाप नष्ट हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। तब उन वैष्णवों ने कहा, राधा व्रतियों ने कहा कि देवी, दुख मत करो, श्री कृष्ण पतित पावन है, राधा रानी पतित पावनी है, वे तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगी, तुम श्रद्धा पूर्वक राधाष्टमी व्रत करो। अब तो प्रसन्न होकर उसने कहा कि मैं अवश्य राधाष्टमी व्रत करूंगी। तत्रैव व्रतविः सार्धं कृत्वा सा व्रतमुत्तमम्। अभी उसने कुछ खाया पिया तो था ही नहीं, उसने निश्चय कर लिया और उनके साथ ही वो व्रत करने लगी। संयोग की बात थी, वो व्रत करके लौट रही थी, उसी समय एक सर्प पर पैर पड़ गया, कोबरा काला सांप था, पैर पड़ गया और उसने उसको डस लिया और उससे वो मर गई। यमराज के दूत आए और उसको फंदा में डाल करके ले जाने लगे लीलावती को, पास मुदगर पाणया। उनके हाथ में काल पास डंडा मुदगर सब थे उनके हाथ में, और महाराज जैसे ही वे उसको यमराज के यहां ले जाना चाहते थे, उसी समय भगवान के पार्षद शंख चक्र गदा पद्मधारी चार चार भुजा वाले भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। दिव्य स्वर्णमय विमानों में बैठ करके महाराज जी आए थे, उन्होंने चक्र धाराओं से पास के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको प्रेम से उसको विमान में रथ में बिठा लिया, एक रथ लेके आए थे उसको बिठा लिया और वे बड़े प्रेम से गोलोक धाम उसको ले गए। निन्युर्विष्णु पुरुम तेच गोलोकाख्यम मनोहरम, गोलोक धाम उसको ले गए। कृष्णेन राधया तत्र स्थिता व्रत प्रसादतः राधाष्टमी व्रतम तातो योन कुरिया च मूढ़ी। तो देखो, सूत जी महाराज कह रहे हैं, देखो ऋषियों, वो लीलावती जिसको नरक जाना था, वो एक बार जीवन में व्रत उससे बन गया और उसकी महिमा से वो नित्य गोलोक की अधिकारिणी हो गई। इसलिए राधा कृष्ण की सेवा उसे नित्य गोलोक में प्राप्त हो गई।
इसलिए जो राधाष्टमी व्रत नहीं करता है वो मूढ़ मनुष्य है। नरकान निष्कृतिर नास्ति कोटि कल्प शतैरपि, वो करोड़ों कल्पों तक भी नरक से उसका उद्धार नहीं होगा। और स्त्रियश्चयान कुर्वन्ती व्रत में तत् शुभप्रदम, जो पुरुष नहीं करते उनको ये पाप लगता है, जो स्त्रियां नहीं करती उनको भी यही पाप लगता है। ये इस व्रत को करने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान की भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। और जो नहीं करता उसको यमराज के यहाँ जाना पड़ता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राधाष्टमी की कथा जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम में पहुँचने का अधिकारी हो जाता है। सर्व पाप विनिर्मुक्तश्चान्ते याति हरेर गृहम्। बोलो राधा रानी की जय। मेरे श्याम।